आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ हेलो एवरीवन हमारे पास क्वेश्चन है द टाइम टेकन फॉर अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस टू डिफ्यूज थ्रू अ स्मॉल होल फर्स्ट 2 मिनट अंडर सिमिलर कंडीशंस एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन took 5.65 मिनट्स टू पास द मॉलिकुलर मास ऑफ द गैस एस उसने हमें क्वेश्चन बोला है कि एक कोई भी हमारे पास गैस है ठीक है उसका कोई सर्टेन वॉल्यूम है जिसको डिफ्यूज होने में टू मिनट्स लगते हैं ठीक है चीके? और अंडर सिमिलर कंडीशंस और उसे इक्वल वॉल्यूम जितना हमने इसका वॉल्यूम लिया था इस गैस का उतने ही वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन को डिफ्यूज होने में कितने लगते हैं फाइव पॉइंट सिक्स फाइव मिनट्स हमें मॉलिकुलर मास निकालना है उस गैस का बच्चे देखो जब भी रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात होती है सो यू शुड नो समथिंग that rate of diffusion is directly related to the molecular mass. How? By the Graham's law of diffusion. By the Graham's law of diffusion. Which states that which states that the molecular mass sorry the rate of diffusion the rate of diffusion of any gas

रूट के जितना ज्यादा मास होगा रेट उतना कम होगा इसी के बेसिस उन्होंने फॉर्मुला दे दिया आर वन बाय आर टू इट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एम टू बाय एम वन ठीक है देखो इनवर्स रिलेशनशिप है ना अब देखिए ठीक है अब हमें क्वेश्चन में जो हमारा आर वन हम मान लेते हैं कि ये रेट ऑफ ऑक्सीजन है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन है ये हमारे पास ठीक है आर टू हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस एक्स हैन हमारा क्या हो जाएगा मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन ठीक है मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन विच इज इक्वल्स टू थर्टी टू ग्राम्स एंड मोलर मास ऑफ टू यानी कि मोलर मास ऑफ एक्स अन गैस ये हमें कैलकुलेट करना है ठीक है अब देखिए आर वन बाई आर टू इट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एम टू जो कि मुझे नहीं पता है बट एम वन मुझे पता है थर्टी टू उसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी है देखिए रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है वॉल्यूम बाय टी वन एंड वॉल्यूम बाय टी टू कितना वॉल्यूम ऑफ गैस कितने टाइम में रिलीज हुआ है वही हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है एंड बिकॉज जो वॉल्यूम है वो सेम है तो मैंने दोनों के लिए वॉल्यूम रख दिया एंड टी वन इज अ टाइम टेकन बाय द ऑक्सीजन गैस टू डिफ्यूज एंड टी टू इज अ टाइम टेकन बाय द अननोन गैस टू डिफ्यूज व्हिच विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एम टू बाय थर्टी टू देखिये वी से वी कैंसिल हो जाएगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा रेसिप्रोकल ओके देखिए टी टू अपॉन में टी वन इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एम टू बाय थर्टी टू यहां पर मैं लिख भी देती हूँ T1 is time taken by oxygen to diffuse. Time taken by oxygen to diffuse. And time to, T2 is the time taken by unknown gas to diffuse. Okay. Squaring both sides. Squaring बोथ साइड्स इट विल बिकम टी टू बाई टी वन का होल स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू एम टू अपॉन मे थर्टी टू बच्चे अब क्वेश्चन में गीवन था कि जो अनोन गैस है उसने मेरे को टू मिनट्स लिए हैं और जो ऑक्सीजन है उसने कितना टाइम लिया था फाइव पॉइंट सिक्स फाइव मिनट्स ठीक है तो स्क्वायर करूंगी तो टू इंटू में टू इंटू में फाइव पॉइंट सिक्स फाइव इट इज इक्वल्स टू एम टू अपॉन मे थर्टी टू ठीक है अगर आप 5.65 पॉइंट सिक्स फाइव टू इंटू में टू इज फोर फाइव पॉइंट सिक्स इंटू में फाइव पॉइंट सिक्स फाइव करते हैं तो इट इज थर्टी वन पॉइंट नाइन इट इज इक्वल्स टू एम टू अपॉइंट थर्टी टू बट अप्रोक्सीमेटली थर्टी टू के इक्वल हो गया अप्रोक्सीमेटली तो थर्टी टू से थर्टी टू कैंसिल हो जाएगा तो एम टू यानी कि मोलर मास ऑफ माई अननोन गैस विल बी फोर ग्राम अप्रोक्स हम देखते हैं क्या हमारे पास ऑप्शन में है लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट का भर हो सकता है आज डाउनलोड करे डाउट नेट ऑप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर